बहुचर्चित हेलीकॉप्टर में आए दूल्हे की गिरफ्तारी के मामले में अर्थुना बांसवाड़ा पुलिस व परिवादी की मिलीभगत से एक निर्दोष नवविवाहित दूल्हे को फर्जी मुकदमे में फंसाकर गिरफ्तार करने और उसके परिवार से लाखों रुपए ऐंठने के षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो गया। आबू रोड निवासी सुरेंद्र राठौड़ पुत्र रमेश राठौड़ का विवाह डीसा निवासी हनी परिहार से होने पर सुरेंद्र राठौड़ द्वारा दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर आने के पश्चात अर्थुना बांसवाड़ा पुलिस द्वारा एक फर्जी मुकदमे में सुनय शाह, दिलीप संवोद, गोविंद पांचाल व हिमेश उपाध्याय के साथ मिलकर अर्थुना थानाधिकारी हिम्मत बुनकर द्वारा गिरफ्तार करके सुरेंद्र राठौड़ के परिवार से 10 लाख रुपए की मांग करने और रुपए न मिलने पर एक और झूठे मुकदमे में फंसाने वाले पुलिस अधिकारी हेमंत बुनकर को एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा मुकदमा दर्ज करके तुरंत प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है। ये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोनों मुकदमे में सुरेंद्र राठौड़ को जमानत देकर रिहा किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अर्थुना थानाधिकारी हिम्मत बुनकर को एंटी करप्शन ब्यूरो के मुकदमे में किसी तरह का कोई लाभ ना मिला व उसकी गिरफ्तारी से बचने के लिए हिम्मत बनकर दर दर की ठोकर खा रहा है। ये पूरा प्रकरण सुरेंद्र राठौड़ के रसूखदा व पैसे वाले परिवार से होने के कारण सुरेंद्र राठौड़ से उसके परिवार की बदनामी का डर दिखाकर दिलीप सावंत, सुनय शाह, हिमेश उपाध्याय व गोविंद पांचाल द्वारा रुपए ऐंठने के षड्यंत्र का भंडाफोड़ एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा इनके जुर्म के भागीदार अर्थुना थानाधिकारी हेमंत बुनकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर हो गया। इस झूठे मुकदमे के कारण सुरेंद्र राठौड़ उसके परिवार की खूब बदनामी की गई और भिन्न भिन्न न्यूज पेपर द्वारा बगैर पुलिस सच्चाई जाने सिर्फ FIR के आधार पर सुरेंद्र राठौड़ उसके परिवार को मुजरिम करार दे दिया, जो भी बिल्कुल न्याय संगत नहीं था। ये पूरा षड्यंत्र सुनय शाह व दिलीप सावंत का सुरेंद्र राठौड़ से रुपए लेकर न लौटने पर सुरेंद्र द्वारा इन पर चेक अनादरण के 138 के मुकदमे से बचने हेतु रचा गया था।